अलवर शहर के नयाबास स्थित मीणा धर्मशाला के पास एक बुजुर्ग महिला गाय को रोटी खिलाने के लिए गई थी। उस समय गाय ने बुजुर्ग महिला को सींग से ऐसा मारा कि बुजुर्ग महिला का एक हाथ टूट गया, जिसको परिजन घायल अवस्था में लेकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में पहुंचे, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि नयाबास मीणा धर्मशाला के समीप शांति देवी आज सुबह गाय को रोटी खिलाने के लिए गई थी, तभी गाय ने शांति देवी पर सींग से हमला कर दिया, जिससे उसका एक हाथ टूट गया, जिसका इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद सड़कों पर घूमने वाली आवारा पशुओं को नहीं पकड़ पा रही है। सड़कों पर चारों ओर आवारा गायों का झुंड बना रहता है और आवारा गायें आए दिन किसी न किसी व्यक्ति को चोटिल करती हैं। ऐसे में नगर परिषद की लापरवाही नजर आ रही है, इसीलिए समय पर नगर परिषद को आवारा पशुओं के खिलाफ अभियान चलाकर उनको पकड़ना चाहिए और कांजी हाउस पहुंचाना चाहिए, जिससे आवारा पशुओं पर अंकुश लग सके और लोग चोटिल न हों। गाय को रोटी खिलाने के लिए गई थी मेरी मम्मी, और गाय को जैसे रोटी खिलाई तो इसकी आदत है पानी का गिलास लेके जाती है, पानी डालती है, परंतु जैसे पानी डालने लगी गाय ने सींग मार दिया, जिससे इसकी हाथ की करीब एक फुट लंबी खाल उतर के आ गई और खूनम खून हो गई। मैं वापस लेके आया हूँ, अभी हॉस्पिटल में उपचार गया है। गायों का कंट्रोल किया जाए, नगर पालिका को पाबंद किया जाए कि ये जो आवारा मन नयावास में और मीणा धर्मशाला में और ये अयोध्या धाम मंदिर के अतिरिक्त जो गाय घूमती रहती है इनको न... कितनी गाय घूमती है वहाँ? करीब 10-15 गाय घूमती है। कोई बारिश नहीं बनता है और दूध गाड़ कर छोड़ देते हैं, वो आवारा गाय घूमती रहती है। क्या नाम है अम्मा जी का? शांति जी। कहाँ के रहने वाली है? नयावास।